जैसे 1 2 3 4 5। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक चैनल। आपका दोस्त मोहम्मद अंसार है, बिल्डिंग कंडीशन टेक चैनल में फिर से हाजिर है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को छल्ले में ईटा गिनती करके बताऊंगा कि छल्ली में ईटा कैसे गिनती किया जाता है। चाहे छल्ली बड़ा हो या छोटा, चाहे 1000 का छल्ली हो या 1500 या 2000 3000 कितनों का भी हो। तो फ्रेंड आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो मेरे नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों देखिए। जी फ्रेंड, आज हम लोग छोटा छल्ली से ही छल्ली में ईटा गिनती करना सीखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं छल्ली को, ये लंबाई में छल्ली है और इधर चौड़ाई, हम दो लेयर ईटा सजाए हैं। तो आप गिनती कीजिए ईटा को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लंबाई में 12 ईट है और चौड़ाई में 2 ईट है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ये बात जान लीजिए, ये जो आपका दिख रहा है 1 ईट 2 ईट 3 ईट, ये 3 ईट के ऊपर ऐसे अगर एक ईटा लगाएंगे तो कवर कर जाएगा। और इधर जो 1 ईट है इसके ऊपर 3 ईट बैठाने के बाद कवर हो जाता है। तो ये आपको पूरा छल्ली में नज़र आएगा, छल्ली चाहे छोटा हो या कितनों बड़ा। आप यहाँ जो देख रहे हैं 1 2, एक और छल्ली हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2, एक और हो सकता है 3। यहाँ जो देख रहे हैं 1 2 3, ऊपर आपका 12 13 तो हो सकता है। तो फ्रेंड आप इसी में सीखिए। तो हम आपको इधर से 12 दिखाएं और इधर से 2 और इधर से खड़ा में आपका 1 2 3। तो फ्रेंड आपको कैलकुलेशन करना, जैसे 12 × 2, 12 × 24 और खड़ा 3 है तो 24 × 72, ऐसे कैलकुलेशन करना है। फ्रेंड अगर आप लोगों का ये 12 के बजाय अगर 24 भी हो और इधर से 3 हो, इधर से 3 हो चौड़ाई में, तो 24 को 3 से गुना करना है। खड़ा में 12 हो तो फिर जितना गुना करके आएगा आपको 12 में करना है, यानी 24 × 3 × 24, ऐसे करके कैलकुलेशन निकालना है दोस्तों। जी फ्रेंड, आप लोगों को छोटा छल्ली में ही ईटा गिनती करना कैसे सिखाएं आप देख लिए कि लंबाई में 12 ईटा, चौड़ाई में 2 ईटा, ऊंचाई में 3 ईटा। तो फ्रेंड ऊंचाई का मतलब खड़ा में 3 ईटा। तो 12 × 2 × 3, 12 × 24 = 72 ईटा। इस छल्ली में आपको 72 ईटा गिनती करके दिखाएं। तो फ्रेंड आप लोगों को कितनों भी बड़ा छल्ली मिल जाए, चाहे 10000 का हो, 20000 का हो, 1500 का, 1000 का, कुछ भी हो, ऐसी आप लोगों को लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई गुना करके कैलकुलेशन निकालना है कि कितना ईटा है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।